आप जहां भी रहे स्वस्थ रहें, इस इच्छा के साथ पीयूष क्लिनिक के इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो फीमेल प्रॉब्लम्स और उसके ऊपर हिजामा के क्या क्या इलाज हैं इसके ऊपर बनाया था। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि लेडीज़ में या फीमेल में हिजामा करने की क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो एक फीमेल के दिमाग में आ सकती है जब उसे हिजामा करना हो। जो बातें उसके दिमाग में आ रही है उसके बारे में सोचकर कोई भी औरत अपने हिजामे को कैंसिल कर सकती है या उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ कर सकती है जिससे उसकी सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। सबसे पहला, हर महीने पीरियड्स आने की वजह से औरतों में पहले से ब्लड की कमी हो सकती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया का मतलब आपके ब्लड में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी होना। तो ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स में होती है, बहुत ज़्यादा औरतों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो एक सवाल ये आता है कि हिजामे के अंदर तो खून निकाला जाता है, पहले ही पीरियड्स में बहुत ज़्यादा खून जा चुका है, अब हिजामा करने का क्या फ़ायदा। दूसरा सवाल, औरतों के शरीर के बारे में कि औरतों का शरीर मर्दों के मुकाबले कमज़ोर होता है, अब पहले से कमज़ोरी है और हिजामा करेंगे तो और ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी। तीसरा सवाल, औरतों की स्किन मर्दों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और नाजुक होती है, इसीलिए ये भी एक डर हो सकता है कि मेरी कहीं स्किन ना ख़राब हो जाए या मेरे स्किन पर हमेशा के लिए निशान ना पड़ जाए। अगला सवाल, हिजामा करते वक्त शरीर पे कट किए जाते हैं, हो सकता है वो कट ठीक ही ना हो और हमेशा के लिए वो कट्स बने रहे, ख़ास तौर पे जब आप चेहरे की कपिंग करते हैं तो चेहरे के बारे में ये डर बहुत से औरतों को होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि औरतों को घर में भी काम करना होता है और आजकल बहुत सी औरतें हैं जो जॉब भी करती है, उसके बाद उनको फिर घर का भी काम होता है। ऐसे में अगर हिजामा किया जाए तो चांसेस है कि उनको कमज़ोरी आए और वो अपना काम ठीक से ना कर पाए। ऐसे में उन्हें डर होता है कि अगर मैंने आज हिजामा कर लिया तो अगले 3 से 4 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी और अपना काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए भी औरतें हिजामा से डर सकती हैं। सेकंड लास्ट है प्रेगनेंसी। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि प्रेगनेंसी में हिजामा करना सही है या नहीं। और लास्ट, फियर ऑफ डूइंग हिजामा, यानी हिजामा करने का डर कि कट किया जाएगा, खून निकाला जाएगा। तो एक बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान इसे देखकर सोचकर डर जाता है। अब इनके जवाबों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि अगर आप फीमेल पेशेंट हैं और आपको हिजामा करना है तो ये बातें आप अपने दिमाग में क्लियरली डाल दें। सबसे पहले, साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा इम्यूनिटी और डिफेंस सिस्टम होती है, यानी कि जब कोई लड़की पैदा होती है तो कुदरती तौर पे उसके अंदर किसी लड़के से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होती है। इम्यूनिटी पावर मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत। इसीलिए हम देखते हैं कि लड़कियों का डेथ रेशियो कम होता है और लड़कों का ज़्यादा होता है, साथ ही लड़के ज़्यादा बीमार पड़ते हैं लड़कियों के मुकाबले में। इसीलिए एक बात आपको ये समझनी होगी कि नेचुरली आपको ये डिफेंस सिस्टम और इम्यूनिटी पावर मिली हुई है। दूसरी बात, फीमेल हैज़ मोर करेज देन मेल, कि औरतों में मर्दों के मुकाबले ज़्यादा हिम्मत होती है, ख़ास तौर पर ऐसे मामलों में। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है गिविंग बर्थ टू चाइल्ड। किसी बच्चे को जन्म देना ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही मुश्किल बात होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये ताकत और ये हिम्मत सिर्फ औरतों में ही होती है। और जब भी औरतें किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, ऐसा दर्द जो आम तौर पे कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए ये नेचुरली एक सिस्टम होती है औरत के अंदर कि वो दर्द को बर्दाश्त कर सकती है। और मैं ये भी बात आपसे कह दूँ कि मैंने अपने प्रैक्टिस में जितने भी फीमेल पेशेंट देखे हैं तो मैंने पाया है कि मर्दों के मुकाबले फीमेल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होती हैं, डरती भी कम हैं और उनके कपिंग से उनको फ़ायदा भी अच्छा होता है। आगे चलते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं
जिनके बारे में हमको ख्याल रखना चाहिए हिजामा करने से पहले। सबसे पहला, अगर आप फीमेल पेशेंट हैं तो सबसे बेहतर है कि आप अपना हिजामा किसी फीमेल डॉक्टर से ही करवाइए, क्योंकि हिजामा के ज़्यादातर पॉइंट्स पीठ के ऊपर होते हैं और कपड़ा रखते हुए हिजामा करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक से नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपके पास कोई फीमेल डॉक्टर अवेलेबल है और वो एक्सपर्ट भी है, अच्छे भी हैं, तो बिल्कुल आप उनके पास हिजामा करवाइए। अगर आपके पास कोई फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो रेयर केसेस में, अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में आप मेल डॉक्टर से भी अपनी ट्रीटमेंट करवा सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कोई फीमेल डॉक्टर ही करें। इसके बाद एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपके डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, तो वो आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं निकालेंगे, क्योंकि नेचुरली पीरियड्स में लगभग 30 ml से लेकर 180 ml तक ब्लड हर महीने आपके बॉडी से निकलता है। ऐसे में हिजामा करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको सही तौर पर फॉलो करने पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपर्ट से ही हिजामा करवाइए। अगली बात है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कौन से पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं आपके हिजामा के लिए। कुछ पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि एक साथ 25-30 कप लगा दीजिए। कुछ पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ एक ही कप लगाइए लेकिन मेरी पूरी बीमारी ठीक होनी चाहिए। ये दोनों ही बातें गलत हैं। ये डिसीजन डॉक्टर ही लेगा या आपकी डॉक्टर ही लेगी कि आपको कितने पॉइंट्स लगाने हैं, और ये भी बात देखनी होती है कि आपके किस पॉइंट पे किस तरह का कट करना है, क्योंकि हर पॉइंट पे एक जैसे कट नहीं किए जाते, कट्स में भी फ़र्क होता है। और ये कट्स अगर सही तरीके से किए जाए तो, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि आपको डर है कि कट के कहीं निशान बाकी ना रह जाए, तो कट अगर सही तरीके से किए जाए तो कट्स के कुछ भी निशान बाकी नहीं रहेंगे और हिजामे के कप के भी कोई निशान बाकी नहीं रहेंगे। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पीरियड्स में हैं या प्रेगनेंसी में हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कपिंग को अवॉइड कीजिए। पीरियड्स और प्रेगनेंसी के बीच में हिजामा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे चेंजेस से आपकी बॉडी गुजर रही होती है। ऐसे में अगर डॉक्टर की गलती हो जाए तो आपके हेल्थ पर उसका निगेटिव असर हो सकता है। इसीलिए सबसे बेहतर है कि प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर आखिरी तक हिजामा ना करें और ना ही पीरियड्स के दरमियान हिजामा करें। आगे देखते हैं, अगर पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं तो मिनिमम 3-5 दिन आप गैप रखिए हिजामे के अंदर। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो जब पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है तो उससे रिकवर होने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है। अगर हम 7 दिन गैप कर देंगे तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा कपिंग करने के लिए। इसीलिए बेहतर है कि कम से कम 3 दिन, और अगर पेशेंट एनीमिया का है या बहुत ज़्यादा वीकनेस है या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं, तो हम 5 दिन भी गैप देने के लिए बोल सकते हैं। इसमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि ये कोई फिक्स रूल नहीं है, पेशेंट्स को देखकर ये बातें तय की जाती हैं। आखिरी पॉइंट, जैसे मैंने कहा, अगर आपने एक्सपर्ट से अपना हिजामा करवाया है तो आपके शरीर पर कोई भी निशान नहीं रहेगा, वरना अगर हर हिजामे के बाद आपके शरीर पर निशान बनना शुरू हो जाए तो सोच लीजिए, हर साल आप 2 बार हिजामा भी अगर करें तो 10 साल में कितने सारे निशान आपके शरीर पर बन जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिजामा एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है और इसे सही तरीके से अगर किया जाए तो इसके कुछ भी निशान बाकी नहीं रहते। फिर भी रेयर केसेस में कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उन पेशेंट्स पे हल्के निशान बाकी रह सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत कम पेशेंट्स में पाया गया है। आगे देखते हैं कुछ और आपके काम के पॉइंट्स। हिजामा, कुछ लोग मानते हैं कि इसके अंदर कुछ भी फायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ बनाने के काम है, और कुछ लोग समझते हैं कि हिजामा सब कुछ कर देगा, हर बीमारी ठीक कर देगा। ये दोनों ही थॉट्स गलत हैं। अगर आपने हिजामा किया है तो एक बात याद रखिए, हिजामा हर बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हिजामा करने के बाद आपके शरीर पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। हो सकता है कि आपकी इस वक्त जो बीमारी है उसमें आपको फ़ायदा ना हुआ हो, लेकिन आने वाली बीमारियाँ, आपकी वीकनेस, आपके ब्लड की थिकनेस और कई सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन,
बहुत सारी चीज़ों पे हिजामा असर करता है। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो डिप्रेशन से सिर्फ और सिर्फ हिजामा के कारण बाहर निकल पाए, जिनको रातों में नींद नहीं आती है, ऐसे पेशेंट्स भी सिर का हिजामा करने से ठीक होते हुए मैंने अपने प्रैक्टिस में देखे हैं। अगला पॉइंट, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको चक्कर या उल्टी जैसे होता है हिजामा करते हुए, तो याद रखिए ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये टेम्पररी कंडीशन है जो 5 से 10 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में ठीक हो जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पेशेंट्स की कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसको चक्कर या उल्टी जैसे लगेगा या नहीं। इसे देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हिजामा करते ही एकदम खून निकल गया, कमज़ोरी आ गई, अब जान भी खतरे में है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर सोचना हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसी उल्टी और चक्कर हमें नॉर्मल कंडीशन में भी आती है, लेकिन उसका हमारे सेहत के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता, ये सब कुछ टेम्पररी होता है। आगे देखेंगे, अगर कोई एनीमिया पेशेंट है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर ही इसका फैसला लेंगे कि उनको कितने कप्स लगाने हैं, कितना ब्लड निकालना है। एक बात याद रखिए, फीमेल में ज़्यादा ब्लड नहीं निकाला जाता क्योंकि ऑलरेडी उनको ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दरमियान, और अगर पेशेंट एनीमिया का है तो ऑलरेडी उनको वीकनेस होती है। लेकिन ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी पेशेंट को वीकनेस है, मैंने अपने प्रैक्टिस में भी देखा है कि वीकनेस दूर करने का हिजामा बहुत अच्छा रास्ता है। अब लॉजिकली अगर देखें कि शरीर से खून बाहर जा रहा है तो फिर कमज़ोरी दूर कैसे हो, इसका जवाब ये है कि जब शरीर से खून बाहर जाता है तो शरीर अपनी ज़रूरत के लिए ज़्यादा खून बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर हमें पता चले कि कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है तो उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना, स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, और उसी के साथ क्योंकि हमारा शरीर, हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइवल के लिए सोचता है, तो जब भी हिजामा होता है तो ब्रेन एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है और ब्लड भी ज़्यादा बनता है। आयरन डिफिशियंसी या HB कम होना, इसमें भी हेल्प होती है और वीकनेस भी दूर होती है। आखिरी पॉइंट, आज तक हिजामा करने के बाद किसी फीमेल के ऊपर कोई बहुत भयानक साइड इफ़ेक्ट मैंने नहीं देखा है और ना ही कभी पड़ा है। अगर आपने सही जगह से हिजामा किया है तो आपके शरीर के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर के अंदर तो फ़ायदा हो जाता है, अंदर तो बदलाव होते हैं, लेकिन हमको वो महसूस नहीं होते, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपने एक तरह से आपके शरीर को रिपेयर किया और हील किया। वीडियो ख़त्म करने से पहले, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हर पेशेंट को हिजामा नहीं किया जा सकता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे उम्र का प्रॉब्लम, वीकनेस का प्रॉब्लम, और कुछ खास बीमारियां होती है जिसमें हिजामा नहीं किया जा सकता। ऐसे पेशेंट्स को हम मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं क्योंकि एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं मेरे पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने रिपोर्ट्स और बीमारी को मैसेज कर सकते हैं, पोस्ट के जरिए आपके घर तक मेडिसिन भेज दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा ये अवेयरनेस फैले उतना ही आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए बीमारियों से बचना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।